हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 27 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड ए न्यू नेशनल वार मेमोरियल सिचुएटेड इन द इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली टू द नेशन। द नेशनल वार मेमोरियल स्प्रेड ओवर 40 acres इन द इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स बिहाइंड द कैनोपी इज डेडिकेटेड टू सोल्जर्स किल्ड ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार इन 1962, इंडो पाक वार इन 1947, 1965 एंड 1971, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशंस इन श्रीलंका एंड इन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999 एंड आल्सो दोज इन द यूएन पीस कीपिंग मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट परिसर में स्थित एक नए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पत्थर की ओबेलिस्क के नीचे स्थित लौ जलाई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कैनोपी के पीछे इंडिया गेट परिसर में 40 एकड़ में फैला है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों, 1947 में भारत पाक युद्ध, 1965 और 1971 श्री में भारतीय शांति सेना के संचालन, 1999 में लंका और कारगिल संघर्ष में और संयुक्त राष्ट्र के शांति के अभियानों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, अंडर इट्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड हैज टेकन अप ए प्रोजेक्ट टू एस्टेब्लिश ए वाइट सीमेंट प्लांट नियर विलेज नोहरा धार इन हिमाचल प्रदेश एट ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 605 करोड़ रुपीज। इट विल बी द फोर्थ वाइट सीमेंट प्लांट इन द कंट्री। अपने विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड ने 605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नोहराधार गांव के नजदीक सफेद सीमेंट का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह देश का चौथा सफेद सीमेंट का संयंत्र होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ लॉन्चेज द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना दैट गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू अर्बन यूथ फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शहरी युवाओं को हर वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्फर्ड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2015, 2016, 2017 and 2018 एट ए फंक्शन इन राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2015, 16, 17 और 18 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट, जीआर कार्तिकेन फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट फॉर्मूला वन ड्राइवर नारायण कार्तिकेन वाज ऑनर्ड विद द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द FMSCI एनुअल अवार्ड फंक्शन। भारत के पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर नारायण कार्तिकेन के पिता जीआर कार्तिकेन को FMSCI वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं डिफेंस न्यूज रक्षा समाचारों की। एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंडिया बांग्लादेश डिफेंस कॉरपोरेशन ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति 2019 विल बी कंडक्टेड एट तंगेल
बांग्लादेश फ्रॉम 2 मार्च टू 15 मार्च 2019। अविरत भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक बांग्लादेश के तंगेल में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 आयोजित किया जाएगा। आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। पेप्सिकोज इंडिया बॉर्न फॉर्मर CEO इंदिरा नुई हैज जॉइंड अमेजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द ऑनलाइन रिटेल गिगंट। स्टारबक्स एग्जीक्यूटिव रोसलिंड ब्रेवर हैज आल्सो जॉइंड द अमेजन बोर्ड। भारत में जन्मी पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नुई ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल हो गई है। स्टारबक्स के कार्यकारी रोसलिंड ब्रेवर भी अमेजन बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सुश्री नुई लेखा परीक्षा समिति के सदस्य होंगी। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। अफगानिस्तान से स्कोर 278 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट फ्रॉम देयर अलॉटेड 20 ओवर्स टू रजिस्टर द हाईएस्ट एवर टोटल इन T20 एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन देहरादून उत्तराखंड। हजरतुल्ला जजाई स्कोर 162 रन्स फ्रॉम जस्ट 62 बॉल्स। देहरादून उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 में अफगानिस्तान ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 278 रन के सर्वाधिक कुल दर्ज किए। हजरतुल्ला जजाई ने सिर्फ 62 गेंदों पर 162 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका क्रिकेट टीम बिकम द फर्स्ट एशियन साइड टू विन ए टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका आफ्टर विनिंग द सीरीज बाई 2-0। कुशाल परेरा वाज गिवन द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड। श्रीलंका क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से श्रृंखला जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। यह दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका की 6ठी श्रृंखला थी और उनकी पहली जीत थी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, इंडियन ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता लिफ्टेड द कैनेस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी हेटू कैन एजी ड्राविद पियर लियोगी बैसो ऑफ इटली इन द 9th एंड फाइनल राउंड। भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती। उन्होंने 9वें और अंतिम दौर में इटली के पियर लुइगी बैसो के साथ एक आसान ड्रॉ खेला। तो मेरे प्यारे साथी, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।